पिछले क्लास में हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, उस टूल्स को हम यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन को हमने स्टडी किया, देखा, समझा. सो अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर किसी भी एनिमल्स के अंदर या किसी प्लांट्स के अंदर कोई भी जीन को डिलीवर करना है तो कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है. लेट सपोज कि आपके पास कोई प्लांट है, ये सपोज आपके पास प्लांट है और इस प्लांट के अंदर कोई भी फॉरेन जीन को डिलीवर करना है, यानी कोई भी फॉरेन जीन को यहाँ पे डालना है, तो उसे कैसे डाल सकते हैं आप. तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक बैक्टीरिया, मतलब कि ऐसे जीन को डायरेक्ट हम प्लांट के अंदर डिलीवर नहीं कर सकते हैं. पहली बात, अगर कोई भी प्लांट है तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जीन को डिलीवर कर दिया जाए तो ऐसे डायरेक्टली जीन डिलीवर नहीं हो सकता है. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्लाज्मिड चाहिए. तो जो प्लाज्मिड यूज करते हैं प्लांट के अंदर जीन को डिलीवर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एग्रो, दैट इज कॉल्ड, जो भी प्लाज्मिड यूज करते हैं वो किससे ऑब्टेन करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस को यूज करते हैं, ट्यूमिनिफेसेंस को यूज करते हैं और उसको यूज करते हैं. मतलब इस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस बैक्टीरिया से हम प्लाज्मिड को निकालते हैं और इस प्लाज्मिड के ऊपर, इस प्लाज्मिड के ऊपर फिर हम इस जीन को यहाँ पे लाइगेट करते हैं डीएनए लाइगेज से और फिर हम प्लांट के अंदर डिलीवर करते हैं. बट प्रॉब्लम ये होती है कि इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस के प्लाज्मिड के अंदर एक चीज और होती है, दैट इज कॉल्ड टी आई जीन होता है. इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस के प्लाज्मिड के पास एक और जीन अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड TI जीन, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन. तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई फॉरेन जीन को, अगर मान लीजिए कि आप इस प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, कोई भी डिजीज जल्दी से ना हो, या आप चाहते हैं कि ये जो है इसका यील्ड बढ़ जाए, तो जैसे जीन को आप यहाँ पे डिलीवर करेंगे तो इसके साथ साथ टीआई जीन भी डिलीवर हो जाएगा. और टीआई जीन, ये मान लीजिए आप इस प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं कि कोई भी डिजीज जल्दी से ना हो, डिजीज रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, कोई भी डिजीज जल्दी से ना हो, तो डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगा. बट ये जो टीआई जीन है, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, इसके अंदर ट्यूमर इंड्यूस करना स्टार्ट करेगा, यानी ट्यूमर का ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा. सो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, growth of tumor is take place inside this plant. तो growth of tumor is take place inside the plant. इस plant के अंदर tumor का growth होना start हो जाएगा और बेचारा plant tumor से ही मर जाएगा, क्योंकि tumor बहुत ही खतरनाक होता है, तो tumor से ही मर जाएगा ये. तो इसलिए method इतना successful नहीं है. तो हमने क्या किया, with the help of genetic engineering से हमने क्या किया कि जो ये TI gene है इसको मॉडिफाई किया कि हम सिर्फ जीन को यहाँ पे डिलीवर करके और ऊपर से ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी कुछ ना हो, है ना. तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन क्या करता है कि इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद अब वो डिजीज, अब वो ग्रोथ ऑफ ट्यूमर नहीं करता है, यानी ग्रोथ ऑफ ट्यूमर नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से जो है प्लांट बहुत ही अच्छे से सुटेबल रहता है. So the vector for the cloning gene in plants and animals. So this is a mechanism to the deliver the gene to the transformation of eukaryotic cells and force them to what the bacteria or virus want. Force them to what bacteria and virus want. यानी bacteria virus क्या चाहते हैं उसके लिए ये काम करते हैं. तो सबसे पहले क्या किया, that is called agrobacterium tumefaciens. This is the name of bacteria. And the pathogen of the several dicot plant. अगर हमने इसके प्लाज्मिड को यूज कर लिया तो this is a pathogen. Pathogen मतलब जो डिजीज को कॉज करे. तो बहुत सारे dicot plant में वो डिजीज कॉज करेगा. And they able to deliver a piece of DNA known as tDNA. That is called tumor inducing DNA to the transform the normal plant cell into the tumor cell. Normal plant cell को किस में कन्वर्ट कर देगा, tumor cell में कन्वर्ट कर देगा. ट्यूमर सेल एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन. और जो जो भी केमिकल इससे बनेगा, जो भी केमिकल इससे
बनेगा वो पैथोजन उसको यूज करेगा और भी ज्यादा ट्यूमर को करेगा। तो बेसिकली जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसेंस का जो टी डीएनए होता है वो ट्यूमर कॉज करता है, प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज करता है, और हम इसी के प्लाज्मिड को यूज करेंगे प्लांट के अंदर डालने के लिए। सो दिस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन दैट इज टीआई प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग वैक्टर। अब हमने उसे मॉडिफाई कर दिया, क्लोनिंग वैक्टर में मॉडिफाई कर दिया बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसे हमने मॉडिफाई कर दिया, विच नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट बट स्टिल एबल टू यूज अ मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन ऑफ आर इंटरेस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट। कहने का अर्थ यह है कि अब वो पैथोजेनिक नहीं है, अब वो उससे कोई भी जो है कोई भी ट्यूमर नहीं होता है किसी भी प्लांट को, अब पैथोजेनिक नहीं है, बट स्टिल यू कैन डिलीवर द जीन, आपने जो भी आपका इंटरेस्ट है जीन को डिलीवर करना है प्लांट के अंदर, तो बहुत ही आसानी से इसी प्लाज्मिड के अंदर आप यूज करके कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। सो दिस इज अ मैकेनिज्म कि कैसे जो है किसी भी जीन को प्लांट्स के अंदर डिलीवर करेंगे। सो दैट इज अ टीआई प्लाज्मिड, दैट इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और दिस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज एज अ क्लोनिंग वैक्टर, बट दिस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज नॉट अ पैथोजेनिक, ये इतना ज्यादा पैथोजेनिक नहीं है। सो दिस इज अ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसेंस न्यूक्लियर डीएनए एंड दिस इज अ प्लाज्मिड, एंड ये ग्रीन कलर का जो है दिस इज अ टी डीएनए, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग जी डीएनए, बट अब हम इसे रिकॉम्बिनेंट टी डीएनए बना दिया, हमने इसे मॉडिफाई कर दिया, अब हम टारगेट प्लांट के अंदर इसे ग्रो करा सकते हैं और ये ट्यूमर कॉज नहीं करेगा। तो ये तो रही बात कि प्लांट में अगर आपको कोई भी जीन को डिलीवर करना है तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के सहारे ये सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्लांट को अगर आपको प्लांट में कुछ करना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के सहारे सारा चीज कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि प्लांट के अंदर कोई भी जीन को डिलीवर करना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस को हम यूज करते हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस को यूज करते हैं और उसको डिलीवर करने में मदद करते हैं और टीआई जीन को हटा दिया। अगर आपको एनिमल सेल के अंदर कोई भी जीन को डिलीवर करना है तो हमें रेट्रोवायरस का सहारा लेना पड़ेगा। तो रेट्रोवायरस हैज आल्सो बी डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज टू द डिलीवर द डिजायर जीन इन टू द एनिमल सेल। तो डिजायर जीन एनिमल सेल के अंदर हम इसको डाल सकते हैं। सो वंस अ जीन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बिन लाइगेटेड टू द सुटेबल वैक्टर, इट ट्रांसफर इनटू द बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाई। कहने का अर्थ यह है कि हमने रेट्रोवायरस को जो भी हम एनिमल्स के अंदर अगर हमें कुछ किसी एनिमल के अंदर जीन को डिलीवर करना है तो हमें रेट्रोवायरस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम प्लांट के अंदर कोई जीन को डिलीवर करेंगे तो हमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आया है नीट के एग्जाम में, सो द बैक्टीरिया जनरली यूज द जेनेटिक इंजीनियर इज एग्रोबैक्टीरियम बेसिलस स्यूडोमोनास एंड क्लॉस्ट्रिडियम। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसेंस इज अ करेक्ट आंसर क्योंकि उसको ही मॉडिफाई किया गया था, उसको ही यूज किया गया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट, और ये पूरा लास्ट है हमारा टूल्स का। रिकॉम्बिनेंट अगर रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्निक को हमें यूज करना है और बनाना है तो सबसे लास्ट में होस्ट की जरूरत पड़ती है, और होस्ट लास्ट में है। जैसे हमने पढ़ा था कि एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, है ना, डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ेगी, डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी, प्लाज्मिड की जरूरत पड़ेगी। तो जो है कॉम्पिटेंट होस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या होता है कि कॉम्पिटेंट होस्ट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब कि कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हमने जीन को डिलीवर करना है, जिसके अंदर जीन को हमने डालना है, ठीक है, उसी को हम कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब यही होता है कि जिसके अंदर हमने प्लाज्मिड को डाल देना है, जिसके अंदर जो है प्लाज्मिड ग्रो हो, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट होस्ट। तो कॉम्पिटेंट होस्ट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। सो द प्रोग्रेशन ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल्स मस्ट अकर इनसाइड द लिविंग सिस्टम ऑफ अ होस्ट।
तो द प्रोग्रेशन ऑफ दिस डीएनए, जो भी प्रोग्रेशन है डीएनए का, मस्ट अकर इनसाइड द लिविंग सिस्टम ऑफ द होस्ट, और इसके अंदर जो होस्ट है हमारा, ये होस्ट है, उसके अंदर ही रेप्लीकेट होना स्टार्ट कर देगा, फटाफट रेप्लीकेट होना स्टार्ट करेगा. सो मेनी काइंड ऑफ होस्ट सेल इंक्लूडिंग द ई कोलाई, ईस्ट, एनिमल्स, प्लांट सेल्स आर अवेलेबल फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द होस्ट. सो मेनी काइंड ऑफ होस्ट सेल इंक्लूडिंग द ई कोलाई, ईस्ट, एनिमल सेल, प्लांट सेल आर अवेलेबल फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द होस्ट. बहुत सारे ऐसे होस्ट सेल को यूज किया जाता है. तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब अगर हम एक छोटे से शब्दों में देखें, तो अगर बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आप बाहर निकाल लोगे, यानी बैक्टीरिया माइनस प्लाज्मिड दे बिकम अ कॉम्पिटेंट होस्ट. तो बैक्टीरिया माइनस प्लाज्मिड इज कॉम्पिटेंट होस्ट, सो दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट. सो सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कैनॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो डीएनए होता है हमारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होता है, और ये जल्दी से किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास नहीं हो सकता है, सो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट मेक कॉम्पिटेंट टू टेक अ डीएनए. कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी भी जीन को डिलीवर करना चाहते हो उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, तो जो हमारा होस्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए. कॉम्पिटेंट का मतलब एबल होना चाहिए, लायक होना चाहिए, ताकि वो जीन को ले सके, है ना, और अपने अंदर रेप्लीकेट करा सके, है ना, जीन को ले सके और अपने अंदर रेप्लीकेट करा सके. सो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट टू बी कॉम्पिटेंट टू द डीएनए. यानी होस्ट सेल सबसे पहले कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उस लायक होना चाहिए, तभी जो है ये सारा काम हो सकता है, अदरवाइज काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा. सो दिस डन बाय द ट्रीटिंग देम विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज द कैल्शियम. मतलब कि मान लीजिए ये होस्ट है और होस्ट के अंदर मुझे कोई जीन को डिलीवर करना है, है ना, कोई बैक्टीरिया प्लाज्मिड को डिलीवर करना है, तो सबसे पहले हम होस्ट के ऊपर क्या छिड़केंगे, कैल्शियम आयन का छिड़काव करेंगे, यानी इस पूरे होस्ट के ऊपर कैल्शियम का छिड़काव करेंगे, पूरा का पूरा कैल्शियम इसके ऊपर डालेंगे. जैसे ही आप बहुत सारा डाइवेलेंट कैल्शियम आयन डालेंगे, सो देयर इज अ पोर दैट डेवलप अ पोर्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन. छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे और इसी पोर की मदद से आप अपने वेक्टर को या जो भी जीन आप ग्रो कराना चाहते हैं आराम से इस पोर के सहारे अंदर डिलीवर कर सकते हैं. सो फिर से सेकेंड लाइन पढ़ते हैं कि इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी कॉम्पिटेंट मतलब उस लायक होना चाहिए टू टेक अ डीएनए, वो डीएनए को ले सके. सो दिस डन बाय द ट्रीटिंग देम विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन. डाइवेलेंट कैटायन मतलब कि इसके ऊपर जो है इसके ऊपर कैल्शियम का जैसे हम डालेंगे तो छोटे छोटे इसके ऊपर होल्स क्रिएट हो जाएंगे सच एज कैल्शियम विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ विच द डीएनए एंटर इनटू द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स ऑन द सेल वॉल. यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो गए हैं यहाँ पे, और इसी पोर्स के सहारे आप आराम से अपने प्लाज्मिड को डाल सकते हैं. अगर पोर्स ना होता, बिल्कुल इंटैक्ट होता है, तो डीएनए जैसे आपके पास कोई भी वेक्टर है, पूरा डीएनए तो है, वेक्टर इज डीएनए, राइट, तो डीएनए को आप डाल नहीं सकते हैं. क्यों नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे इस लाइन में पढ़ा है कि द डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कैनॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है और ये डीएनए के अंदर ऐसे डायरेक्टली पास हो ही नहीं सकता है, तो इसको पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पूरे होस्ट के ऊपर कैल्शियम आयन का छिड़काव करना पड़ेगा, और जैसे ही आप कैल्शियम आयन का छिड़काव करेंगे तो दे मेक अ पोर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन पर पोर्स डेवलप हो जाएंगे, और उसी पोर्स के सहारे आप इस वेक्टर को आराम से अंदर डाल सकते हैं. सो दिस इज अ टेक्निक. इसके अलावा क्या होता है कि द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स इन सच सेल बाय इनक्यूबेटिंग द सेल विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन द आइस followed by the that placing up briefly on 42 degree centigrade, that is the heat shock, and then putting back onto the ice. मतलब recombinant DNA को जो भी हम recombinant DNA डालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे कि एक ice पे रखेंगे, एक मान लीजिए ice का टुकड़ा है, इसे ice पे रखेंगे,
फिर उसको हटा के इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आग पे रखेंगे, आग पे रखेंगे, है ना, आग पे रखेंगे, और फिर अगेन इसे आइस पे रखेंगे, फिर आइस पे रखेंगे। इससे क्या होता है कि इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती, इन्हांस हो जाती है, और बहुत ही आसानी से उस पोर्स के अंदर से ट्रैवल हो सकता है। सो दिस इज हाउ टू मेक अ परमेबिलिटी टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हमने किया है कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइस पे रखा, फिर गर्म किया, फिर से आइस पे रखा, एंड देन फिर फाइनली हम इसे डिलीवर करेंगे। सो दिस एनेबल टू बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इससे हमें डालने से क्या हुआ कि इससे जो है आराम से उसके अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो ये पूरा मेथड जो है बताता है कि कैसे किसी बैक्टीरिया के अंदर हम डिलीवर करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर द अदर मेथड टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो सिर्फ आपको कैल्शियम 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 का छिड़काव करना और फिर जीन को डिलीवर करना, यही मेथड नहीं हो सकता है। There are a lot of method which is used for the recombinant DNA process. So what is a method? The first method is called micro-injection. Micro-injection. So what is a micro-injection? So this is a method of recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the animal cell. मान लीजिए कि host है, है ना? ये host है और इस host का ये nucleus है. Host का nucleus है. Host का nucleus है. So हमारे पास जो डीएनए है, ये डीएनए है हमारे पास, डीएनए जो है, डीएनए को हम डायरेक्टली हम इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करेंगे अपने इंजेक्शन से, माइक्रो इंजेक्शन से जो है डीएनए को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। सो इन दिस मेथड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल बाय यूजिंग द माइक्रो नीडल और माइक्रो पीपेट। माइक्रो नीडल और माइक्रो पीपेट से डायरेक्टली हम इसके होस्ट के न्यूक्लियस में डाल देंगे। हमें उसके ऊपर जो है अलग अलग तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं, कैल्शियम वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इंजेक्शन से माइक्रो पीपेट से उसके अंदर डाल देंगे। एंड दिस इज यूज फॉर द ओसाइट्स एग एम्ब्रियो। दिस इज यूज फॉर द दैट इज यूज फॉर द ओसाइट एग और एम्ब्रियो के लिए यूज किया जाता है। तो जेफरेस एस चैम्बरलिन एक मतलब की साइंटिस्ट है, जेफरेस एस चैम्बरलिन ऑफ द ह्यूमन जीनम प्रोजेक्ट हैव बीन दैट्स क्योर अ माइस दैट इनहेरिटेंस। मतलब कि माइस को, माइस के अंदर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया ताकि उसके जीन के अंदर कुछ चीज डाल के उन्होंने एक प्रैक्टिस में मतलब इन्होंने लाया कि अगर कोई भी बीमारी है, कोई माइक्रो मतलब कि कोई भी डिजीज है माइस के अंदर, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करके। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एक नीडल लिया और नीडल के सहारे हम इस नीडल के अंदर अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने भर लिया यहाँ पे, जो भी हमें डिजायर है, जो हमें भेजना है। लेट सपोज रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने यहाँ पे रख लिया और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधा हम उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डीएनए के अंदर हमने डाल दिया। सो न्यूरोमस्कुलर डिजीज विच इज लाइकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑफ द ह्यूमन। बेसिकली जेएफ चैम्बरलेन जो थे ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट के, दे हैव अ क्योर अ माइस दैट इनहेरिटेंस न्यूरोमस्कुलर डिजीज। न्यूरोमस्कुलर डिजीज विच इज लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑफ द ह्यूमन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ मेथड कि हमने एक माइक्रो पिपेट से, माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्टली हम नीडल के अंदर डाल दिया। दूसरा एक टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड बायोलिस्टिक और जिनगन मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है। दे आर सुटेबल फॉर द प्लांट। इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के अंदर अगर कोई भी आपको जीन को डिलीवर करना है तब आप उसको यूज करेंगे। एंड द सेल्स आर बम्बार्डेड विद अ हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ द गोल्ड एंड टंगस्टन्स विद द कोडेड ऑफ द डीएनए। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वो है, बम्बार्ड करने वाला चीज है, ठीक है, और इसके आगे हमने क्या किया, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा दिया और ये गोल्ड वगैरह टंगस्टन का कोटेड है, इसके ऊपर पूरा गोल्ड और टंगस्टन का कोटेड है और यहाँ पे होस्ट है, तो इस होस्ट के अंदर हम बम्बार्ड करेंगे यानी फेंकेंगे, ठीक है, फेंकेंगे तो क्या होगा कि हमारा रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है आराम से डिलीवर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बायोलिस्टिक मैथड। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ जीनगन मैथड है, टक से मारा और यहाँ पे देख रहे हैं कि पल्स और हीलियम और जीन बैरेड एकदम गोला से
जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो भी हम यहाँ पे हमने जोड़ा है, सीधा अंदर घुस जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड जीन गन मैथड. सो एक क्वेश्चन आया है कि द बायोलिस्टिक और जीन गन मैथड. पहले तो सो नीट में क्वेश्चन आया है, बायोलिस्टिक और जीन गन मैथड इज सुटेबल फॉर. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट करके इसे रिप्लाई कीजिए. प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक. अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए ही पढ़ा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, कैसे होता है. फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को यूज करने से पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कि मटेरियल चाहिए. तो मटेरियल जो है दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सेकेंड इज उस मटेरियल को जो भी आपने आइसोलेट किया है, लेट सपोज आपको इंसुलिन बनाना है या कुछ भी बनाना है, उसको काटना पड़ेगा. दैट कट एट द स्पेसिफिक पोजिशन बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज. फिर अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो जीन है वो काफी कम है तो उसको एम्पलीफाई करेंगे. सो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर. पीसीआर के हेल्प से उसे एम्पलीफाई करेंगे. इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म. फिर हम उसको होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म में उसे इंसर्ट करेंगे. फिर हम उससे बहुत सारा प्रोडक्ट, उस होस्ट से हम बहुत सारा प्रोडक्ट लेंगे. और एक डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होता है जिस प्रोडक्ट को हम प्रिजर्व करेंगे, है ना, मार्केट में सेल करेंगे, तो अलग अलग उसका प्रोडक्ट होता है. तो ये पूरा का पूरा जो है साइकिल जो है आपको बताएगा कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक होता है. ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बेसिकली क्या बनाना चाहते हैं, इंसुलिन बनाना चाहते हैं, दवाई बनाना चाहते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले हमें इंसुलिन बनाना है तो हमें इस रैट को सैक्रिफाई करना पड़ेगा, यानी मारना पड़ेगा. इस रैट से हम पेंक्रियाज ग्लैंड को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना. तो हमने इस रैट को सैक्रिफाई करके पेंक्रियाज ग्लैंड को आइडेंटिफाई कर लिया. पेंक्रियाज ग्लैंड को जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको बीटा सेल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. पहले तो आपको रैट्स के अंदर पेंक्रियाज ग्लैंड ढूंढना पड़ेगा, काफी मुश्किल है. फिर पेंक्रियाज ग्लैंड को आपने ढूंढ लिया तो उसके अंदर बीटा सेल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है. अगर बीटा सेल मिल गया तो उसके अंदर न्यूक्लियस ढूंढना भी काफी मुश्किल है. तो काफी ये जो टेक्निक है काफी मुश्किल वाला टेक्निक है और इसमें काफी टाइम लगता है. एंड क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्निक है, तो ऑब्वियस है कि ये टाइम टेकिंग है ही है. तो न्यूक्लियस ढूंढा, उस न्यूक्लियस से हमने इस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया. मान लीजिए पर्पल कलर का जीन जो है हमने इस न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो कि क्या बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है. सो दिस इज एक्सट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन जीन फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना. इससे हमारा इंसुलिन बन रहा था, रैट के अंदर इंसुलिन बन रहा था. अब इस डीएनए के ऊपर हमने रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला. तो डीएनए देखिए छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में कट गया, कोई बड़ा कटा, कोई छोटा कटा, कोई मीडियम साइज का कटा. तो इस बड़े छोटे और मीडियम साइज को सेपरेट करने के लिए हमने पहले से ही पढ़ रखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि हर एक फ्रैगमेंट को अलग अलग सेपरेट फॉर्म में लेके आ जाएगा, है ना. ये कट गया. फिर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट पे क्या करेंगे, लेट सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया है हमारे पास और इस बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होते हैं. तो इस प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाल लिया. तो देखिए ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पे बाहर आ गया. तो जैसे ही प्लाज्मिड हमारा बाहर आया, फिर से इसके ऊपर भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला. तो जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे तो ये प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, यहां से कट जाएगा. तो कट गया, गैप हो गया यहां पे. और फिर इस एक फ्रैगमेंट को उठा के इस गैप के अंदर जोड़ देंगे बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम. सो देयरफॉर दिस लाइगेज एंजाइम इज कॉल्ड सीलिंग. दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द फिलिंग द सील, है ना. सीलिंग गैप को बंद करता है, जोड़ता है, मॉलिक्यूलर ग्लू है. तो अब हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया और फिर हम इसे होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे. तो ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड इनटू द इंसुलिन जीन इनटू द होस्ट. और आपको पता है कि प्लाज्मिड जो है, हमने बहुत पहले पढ़ा है कि प्लाज्मिड जो है डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स होता है एंड दे कैन बी रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट. और हमारा ये भी तो क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये जीन है, डीएनए तो है, ये भी रेप्लिकेट हो सकता है. तो देखिए देख रहे हैं कि एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, इससे 7-8 बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो हमने एक फ्रैगमेंट को अभी यूज किया, हमारे पास इतने सारे फ्रैगमेंट्स हैं और एक फ्रैगमेंट से मल्टीपल टाइम्स जो है हमने ये सारा चीज एक्सट्रैक्ट किया है. तो इससे हमने क्या किया, बहुत सारा इंसुलिन बना लिया. अब इस इंसुलिन को क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, उसे प्रिजर्व करेंगे,
है ना, मार्केटिंग करेंगे, अलग अलग चीजों में यूज करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल. आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल, मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ. अगर मेरे से आपको लाइव पढ़ना है तो मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप. और जब भी आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो मेरा एक रेफरल कोड होता है डॉक्टर एस के सिंह, उस कोड को आप यूज कीजिएगा. उस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फ्री में टेस्ट सीरीज देने को मिलेगा. थैंक यू सो मच.